भाइयों और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। जिन अदानी अंबानी पर राहुल गांधी साधते हैं खूब निशाना, उन्हीं अदानी अंबानी ने कांग्रेस के लिए राजस्थान में खोला खजाना। क्यों कांग्रेस शासित राज्य में सबसे बड़े निवेश का किया वादा। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों में शुमार है अडानी और अंबानी, जिनकी था पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये शख्सियतें इतनी बड़ी हैं कि कहे चाहे कोई भी कुछ भी ले, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो हासिल किया है ना वो हर कोई कर पाता है, ना ही इनके जैसा कोई हो पाता है। ये उद्योगपति हमारे देश की रीढ़ हैं, जो अपने देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ मोदी या बीजेपी के कहने पर नहीं चलते, क्योंकि अगर चलते होते, अगर देश से नहीं सिर्फ मोदी से अपनी मित्रता निभाते होते, तो फिर कांग्रेस शासित प्रदेश पर भरोसा जताकर अपनी हार्ड अर्न मनी यहाँ नहीं लगा रहे होते। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अभी वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि उन्हें डबल ए वेरिएंट कह डाला। और सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। लेकिन फिर भी जब राजस्थान का वक्त आया तो सपोर्ट के लिए यही उद्योगपति खड़े हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में देश के दो बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने बड़ा निवेश करने का मन बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी और अडानी ने राजस्थान में 1,68,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है। आरटीआई आवेदन के बाद राज्य के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने जो डेटा प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक दो कॉरपोरेट घरानों यानी कि अडानी और अंबानी ने दिसंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच लेटर ऑफ इंटेंट में राज्य सरकार को 1,68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वादा किया था। राजस्थान में उद्योगपतियों ने कुल 9,40,453 करोड़ के निवेश का वादा किया है, जिसमें से इन दो घरानों का ही यानी कि सिर्फ अडानी और अंबानी का ही करीब करीब 18% निवेश है। आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड का 1,00,000 करोड़ का निवेश है, अडानी ग्रीन एंड एनर्जी लिमिटेड का 60,000 करोड़ का निवेश, अडानी इंफ्रा लिमिटेड का 5,000 करोड़ का, अडानी टोटल गैस लिमिटेड का 3,000 करोड़ का, अडानी विल्मर लिमिटेड का 246.08 करोड़ का निवेश करने का वादा किया गया है। ये वादा दिसंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच का था। ये निवेश का वादा कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राजस्थान में किया जाने वाला है। फिर भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में बीजेपी पर क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाया। राहुल ने अडानी और अंबानी को भारतीय अर्थव्यवस्था में फैल रहे डबल ए वेरिएंट के रूप में बताया। अगर आप देशभक्त हो तो ये समझाओ कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो पूंजी है हिंदुस्तान की, उसको आप अपने अरबपति मित्रों को क्यों दे रहे हो। राज्य सरकार ने वैसे तो मूल रूप से इस साल जनवरी में ही एक निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी समेत कई उद्योगपतियों से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब यह सम्मेलन 7-8 अक्टूबर को जयपुर में निर्धारित है। आपको बता दें, राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता अडानी और अंबानी को केंद्र की मोदी सरकार का मित्र बताकर निशाने पर लेते रहे हैं। राहुल गांधी तो कई बार ये भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा अंबानी और अडानी को राहुल गांधी घेरते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। और अब
उसी कांग्रेस शासित प्रदेश में जब अडानी और अंबानी भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि इस निवेश के बाद राहुल गांधी का क्या बयान सामने आता है। वैसे आपको क्या लगता है, राजस्थान में अडानी और अंबानी के निवेश के बाद आखिर क्या बोलेंगे राहुल गांधी? दोनों उद्योगपतियों को सराहेंगे या फिर मुंह छिपाकर 9-2-11 हो जाएंगे? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया हमारे देश के उद्यमी, ये कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो है भी, क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इतिहास के सबक, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं।